लगता है रेडिट को जीत की आदत सी हो गई है। तभी तो हर महीने रेडिट कम से कम एक नया रिकॉर्ड बनाकर हर किसी को हैरान कर देता है। सच पूछिए तो लॉन्च के महज 6 महीनों में ऐसी कामयाबी अब तक किसी एनएफटी मार्केटप्लेस ने देखी नहीं है। जुलाई में लॉन्च हुई एनएफटी मार्केटप्लेस रेडिट अभी से मौजूदा एनएफटी मार्केटप्लेसेस के लिए खतरा बन गई है। रेडिट इन दिनों एक नए रिकॉर्ड के चलते खबरों में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 24 घंटों में रेडिट पर 255,000 अवतार मिंट किए गए हैं, जो ना सिर्फ रेडिट प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ी कामयाबी है बल्कि एनएफटी अवतार की मिंटिंग के लिहाज से अब तक कोई भी एनएफटी मार्केटप्लेस इस आंकड़े के आसपास तक नहीं है। लेकिन रेडिट तो जैसे कामयाबी की इस रेस में सबसे आगे दौड़ते हुए लगातार हर किसी को ललकार रहा है। इस नए रिकॉर्ड के साथ अब पॉलीगॉन पर रेडिट एनएफटीज की 4.4 मिलियन की सर्कुलेशन है, जो बेशक रेडिट के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन आंकड़ों के बावजूद ड्यून एनालिटिक्स के डेटा के मुताबिक रेडिट के लॉन्च से अब तक सिर्फ 40,000 अवतार बिके हैं। लेकिन इन अवतारों के 3.7 मिलियन होल्डर्स हैं, जिसका साफ तौर पर मतलब ये है कि ज्यादातर होल्डर्स अपनी एनएफटीज को बेच नहीं रहे हैं, उन्हें होल्ड करके रख रहे हैं। खैर, इससे पहले अगस्त के महीने में 2 लाख अवतार मिंटिंग के नए ऑल टाइम हाई के साथ रेडिट ने अपने तमाम कंपेटिटर्स को अपनी काबिलियत का एहसास करा दिया था। वैसे रेडिट की कामयाबी की फेरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। अक्टूबर में रेडिट ने 1991 बायर्स के साथ 2.5 मिलियन डॉलर्स की सेल्स वॉल्यूम दर्ज की। इतना ही नहीं, रेडिट एनएफटीज की डिमांड सेकेंडरी मार्केट में भी जबरदस्त है, जहां रेयर रेडिट एनएफटीज प्रीमियम प्राइस पर बिकती हैं। जिन एनएफटीज की कीमत रेडिट पर $50 आंकी जाती हैं, वो सेकेंडरी मार्केट पर $300 के हाई प्राइस पर बिकती हैं। खैर, रेडिट की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनएफटी मार्केटप्लेस मानी जाने वाली ओपनसी और कई नामी एनएफटी मार्केटप्लेस से ज्यादा यूजर्स रेडिट पर मौजूद हैं, और ये आंकड़ा भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 3 मिलियन का है। देखा जाए तो साल 2022 क्रिप्टो इंडस्ट्री और एनएफटी सेक्टर के लिए कुछ खास नहीं था, बल्कि क्रिप्टो विंटर के चलते हमने एनएफटी सेल्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को लगातार गिरते हुए देखा। बावजूद इसके, जो कामयाबी रेडिट ने हासिल की है वो कहीं ना कहीं एनएफटी मार्केट के लिए उम्मीद जगाती है कि शायद एनएफटी मार्केट की जो चमक 2022 में फीकी पड़ गई थी वो 2023 में लौट आएगी। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।